जय करे वीर बजरंगे। लुधियाना विच पार्टी ने कई अपने अहम पद जिहड़े हैगे आ इस लुधियाना जिले नूं दित्ते आ, जिस तरह ट्रांसपोर्ट कहिंदा साडे मनोज टिंकू जी ने और खास करके पार्टी के जिहड़े मुख्य प्रवक्ता ने चंद्रकांत चड्ढा जी, तीजा जो है कालड़ा साहब। शिवसेना बाला साहब ठाकरे, श्री जोगराज शर्मा जी, श्री जोगराज शर्मा जी, वीर बजरंग बली। शिवसेना बाला साहब ठाकरे, अहम कारण तो अज यही भी आप पी कालड़ा जी साढ़े कांग्रेस के बहुत ही उगे एक कार्यकर्ता पदकारी सके, शिवसेना की नीतियां तो प्रभावित हो गए, उन्होंने अज शिवसेना ज्वाइन की है क्योंकि व्यापारी वर्ग न अटैच ने, व्यापार के उन्होंने एक अहम स्थान है, तो शिवसेना ने निर्णय लिया आदरणीय हिंदू हिरदे सम्राट उद्धव साहब, आदरणीय आदित्य साहब जी के नेतृत्व में इन्हों चर्चा करके जोड़ा शिवसेना का एक अहम सैल है व्यापार सैल, वह जोड़ा अपना राज्य प्रमुख अज इन्हों घोषित किया। उम्मीद करते हैं कि पूरे पंजाब व्यापारी वर्ग में जड़िया आ रही समस्यावान या जिस तरह अज फरौती के नाते व्यापारियों के कदर किए जा रहे हैं, उसकी आवाज़ बुलंद करने वास्ते व्यापारियों नाले खड़े रहेंगे। व्यापारियों की हर औकड़ दे विच उन्दे नाल खड़े होणगे, उन्हां दी समस्यावां दा जिहड़ा समाधान वह करवाणगे, ये मैं इन्हां तों आस करदा। मैं मेरा कहने का मतलब है कि आपां आवाज़ बुलंद कर रहे हैं भी पंजाब दे विच बीड़ी सिगरट तंबाकू आपां मंग कर सकते हैं, सरकार नूं पटा पा सकते हैं, सरकार दे दरवाजे ते अंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सानू कदापि अधिकार नहीं हैगा कि एक गरीब अपना परिवार पालन लई कोके दे विच छोटा मोटा काम कर रहा, तो आपां उहदा समान कढ के रोड के उपर इकट्ठा करके जला दीए, उहदा खोखा जला दीए, इहदा मतलब है आपां हिंदुस्तान की जुडिशरी बिल्कुल नहीं मनते। साडा कहण दा भाव यही है कि कोई भी लड़ाई लड़नी है बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ां बैन होनी चाहीदियां, लेकिन जे जोगराज शर्मा कहिंदा भी ये चीज़ां बैन होनी चाहीदियां तो मैं अपने गिरेबान च भी झांकना चाहिए, भी शाम को तो मैं कहां भी ये चीज़ा बैन होनी चाहिए, तो सवेरे मेरे पांच बंदे ला के कूडे डंड भंग का घोटना मलदे हो, सरासर गलत है। अज लुधियाने के अंदर शिवसेना के पंजाब के अध्यक्ष मानयोग श्री योगराज शर्मा जी और पंजाब के युवा प्रभारी श्री हनी महाजन जी वालों उचेचे तौर पर पहुँच के जो कांग्रेस पार्टी के नाल जुड़े और पंजाब के संयुक्त सचिव रहे और उगे व्यापारी लीडर, मैं समझदा काफ़िया धर्म दियां समाजिक संस्थावां दे विच अपना अहम रोल अदा करन वाले वड्डे वीर हैप्पी कालड़ा जी नूं जो पार्टी दे विच शामिल करा के उन्हां नूं व्यापार सेना शिवसेना दा जिहड़ा पंजाब दा अध्यक्ष नियुक्त कीता, असीं दिल दी गहराइयां तों जिथे आदरणीय प्रधान जी दा धन्नवाद करदे हां, उत्थे इही आस करदे हां कि रल के असीं सारे पंजाब दे भले लई सारे लोगों के सारे वर्गों के भले दे लई असीं मिल के काम करिए, और जो व्यापार जगत नूं मुश्किलां आ रहियां असीं पूरा समझदे हां कि हैप्पी कालड़ा जी जमीनी पद्धर दे उत्ते ये जिहड़ियां मुश्किलां ने उहदे समाधान लई एफर्ट करनगे। साडियां शुभकामनावां पूरी शिवसेना परिवार वल्लों इन्हां नूं हैगियां, सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय हिंद जय भारत जी। व्यापारी जगत नूं जिहड़ियां भी चाहे वह नॉन वूविंग फैब्रीकेशन आ जां होर जिन्ने भी मुद्दे पंजाब च व्यापार नाल जुड़े आ, क्योंकि हैप्पी कालड़ा जी उगे लीडर भी ने और काफ़ी बाज़ारां दे विच भी इन्हां दी बड़ा अच्छा रोल है, एसोसीएशनां नाल प्रधान ने और कई धार्मिक समाजिक संस्थावां दे मुखी ने,
और इसे तमाम चीज़ों को देख के व्यापार सेना का तुरंत गठन किया और अगों ये सारे व्यापार दे जुड़े लोग इतने बैठे है ये नाल लैके जरूर एफर्ट करेंगे और जिते साडी ड्यूटी हैप्पी जी वालों लगाई जाएगी पूरा शिवसेना परिवार डट के इन्हों मोढ़े ना मोढ़ा ला के व्यापारियों आने वाली मुश्किलों के समाधान के लिए हर संभव संघर्ष करने लिए आश्वासन देगा। शिवसेना बाला साहब ठाकरे एक पार्टी एक नैशनल पार्टी है ये किसी एक विशेष समुदाय की नहीं है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे हर समुदाय का हर वर्ग का उन्ना ही सम्मान करती है जिन्ना साढ़े हिंदुआ का करती है। अज मैनू साढ़े पार्टी के पंजाब प्रधान योगराज शर्मा जी ने एक जिम्मेवारी दी है। मैं तन मन धन नाल अपने व्यापारियों व्यापारियों के हकों उन्होंने आ रही जी मुसीबत हल करा उन्होंने आवाज़ बुलंद करा। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जी नीतियाँ जी शिवसेना बेसिकली अगर आप पंजाब की गल करिए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बदनाम करता। शिवसेना के नाम तो ही लोग नफरत करन लग गए जबकि साड़ी पार्टी के इस तरह का कुछ नहीं है। साढ़े तुम कोई भी स्टेटमेंट चैक करके देख लो चंद बंद छड़ के जी बाकी शिवसेना चलाते हैं संत समाज बुद्धिजीवी साढ़े साड़ी गवाही करते हैं किसी की कोई स्टेटमेंट किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैगी। तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे ही एक ऐसी पार्टी है जिन्हें ने कदे किसी धर्म के किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोलिया तो वह सब के हकों लिए लड़ती है। तो इस करके मैं जो सही लग्या मैं ज्वाइन की। देखो मेरा उन्होंने एक संदेश है जो वो धर्म लिए काम करते हैं तो जी सदके करन पर नफरतबाजी बयानबाजी करना लोगों के मन च फर्क पाना अज साडे कई हिंदू भरा मेरे नाल इत्थे बैठे ने जदों आपां फेसबुक खोल के सोशल मीडिया का ट्रेंड है जदों सोशल मीडिया खोल के देखते हैं अनाप शनाप बिना अनलॉजिकल लोग बयान देंदे आ स्टेटमेंट देंदे आ। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिथे आप अपनी गल्लां नूं लोगों तक पहुँचा सकते हैं। पहला तो ये लोग आप कोई अनाप शनाप वर्ड किसी समुदाय के खिलाफ बोलते हैं फिर उन्होंने थ्रैट आती है मतलब अल्टीमेटली तो पंजाब का माहौल ही खराब हो रहे हैं। देखो देखो कुछ 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 हद तक मैं गल कट रहा भरा कुछ हद तक पंजाब सरकार दी एजेंसियां सरकार ने इन लोगों को शेल्टर दिता अगर सरकार चाहन कि लोगों के उपर परमानेंटली फैविक्विक लग जाए इन्हों के बुलों से तो सरकार सवेरे ला सकती है। अगर योगराज शर्मा इस मंच से किसी समाज के खिलाफ गलत बोलेगा तो मैं कह रहा कि अगर योगराज शर्मा गलत बोलता है तो परचा दो सरकारी पिंजरा जो पिंजरे के दो तीन महीने बंदा रह गया है परवाने वर्गे बंदे सत्त महीने जेल के बाहर आए ना वो परिवार आया ना सामने आए ना तो कितने ना कि सरकार का फेलीअर है सरकार की एजेंसियों का फेलीअर है। सरकार को चाहिए कि ये जो लोग है छोटे छोटे NGO बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो उस मैं लगता थोड़ी जी जिम्मेवारी साढ़े भरा अगर मीडिया वाले निभा तो मैं लगता कि ये लोग अपने घरों ना निकल बिल्कुल 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 सरकार की नलायकी है। और मैं लगता मैं बेनती कर रहा फिर भी अपने मीडिया वाले भरावानों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता इन लोगों तो थोड़ा बचो क्योंकि इन लोगों की कोई देन नहीं हैगी। अगर पंजाब दे विच कोई मरदा है मरदा ना सिर्फ 10 दिन उसके परिवार को पूरे समाज का वर्ग जाएगा जो तो 10 दिन हो जाने ना तो उस परिवार को पता होता भी साडा जी गया किसी बंदे एहसास नहीं है। तो इस करके साड़ी भी थोड़ी बहुत जिम्मेवारी बनती है कि जिहड़े फर्जी लोग है जिहड़े आए दिन गलत बयानबाजी करके पंजाब की अमन शांति जां अपने निजी स्वार्थों वास्ते ये काम करते तो मैनूं लगता आपां भी वधिया तरीके नाल उन्हां ते विराम ला सकते हैं सिर्फ थोड़ा कर हौसले दी चीज़। मैं कहना चाहूँगा अज पंजाब दे विच सब तो वड्डा मुद्दा ही बेअदबी का हो गया जिथे जाओ बेअदबी जिथे जाओ बेअदबी। तो सरकार दी कि साडी इक मंग आ कि एक ऐसा हैजीटेशन एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि पंजाब दे विच कोई किसी धर्म के खिलाफ ना बोले कोई किसी की बेअदबी ना करे चाहे वह साडा हिंदू समाज भी अगर वह किसी धर्म की बेअदबी करता तो असीं उहदा भी बायकट करांगे।